एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक सिंगल क्वेश्चन प्लस एग्जांपल्स थ्योरम्स सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट के 3 एग्जांपल्स प्लस इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछली वीडियो में। सो वहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ सकते हैं, 2 फर्स्ट एग्जांपल समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट के 3 एग्जांपल्स, मींस एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, फिगर 7.6 देखो। जो ये वाली फिगर है हमारी, ये हमारी फिगर नंबर आपकी न्यू बुक में एनसीईआरटी में फिगर नंबर क्या मेंशन है, 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम। जो ये फिगर है ये क्या शो कर रही है, डेस्क का अरेंजमेंट एक क्लासरूम में, ठीक है। आशिमा भारती एंड कैमिला, देखो आशिमा को ए से रिप्रेजेंट किया है, भारती का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी से, कैमिला का सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये किसकी पोजीशन है, कैमिला की। आर सिटेड एट ए, कहाँ पर है, 3.1 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 1 है। जो ये है हमारी एक्स एक्सिस होती है ना हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कौन सी होती है हमारी वाई एक्सिस। तो जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उससे भी हमें क्या पहचानना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला है मतलब ये वाली वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, और जो ये 1 है जो वाई एक्सिस की तरफ होती है ये किसकी वैल्यू है, हमारी वाई की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट पर हमारा क्या है, 6.4 मतलब एक्स एक्सिस पर भारती कहाँ पर है, 6 पोजीशन, और वाई पर इसकी क्या है, 4 पॉइंट है। ऐसे ही कैमला के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 6, ठीक है। तो ये तीनों इस पोजीशन पर बैठे हैं, राइट। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन, क्या आपको लगता है कि वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। सो देखो अब स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल किया उसमें हमने स्क्वायर का क्वेश्चन किया, राइट। अच्छा, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन थी कि चारों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और डायगनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। सो स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में कब होते हैं, जब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, मतलब ए बी, मान लो मैंने एक डिस्टेंस ए बी निकाला, एक डिस्टेंस मैंने बी सी निकाला, ठीक है, और एक डिस्टेंस मैंने पूरा ए सी निकाला, राइट। अगर किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो वो किस में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमने ट्राइंगल्स का किया था, ट्राइंगल्स की कंडीशन पढ़ी थी कि वो ट्राइंगल है या नहीं, वहाँ क्या कंडीशन थी, ध्यान से देखना कि दोनों किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। बट स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन है कि वो डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमने। अब यहाँ पर आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, देखो अभी तक हमने जो पिछले एग्जांपल स्टार्ट किए उसमें हम पॉइंट्स भी लेट करके लिखते थे, लेट ए कोमा ए बी दिस पॉइंट, बी बी दिस पॉइंट एंड सी बी दिस पॉइंट लिखते थे, ठीक है। बट वो हम तब लिखते थे क्योंकि हमें तब उसके नेम्स मेंशन नहीं थे क्वेश्चन में, बट अब क्वेश्चन में नेम्स मेंशन हैं तो इसलिए आपको पॉइंट्स के नाम दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो निकाल दो, बहुत आसान है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे 3.1 है और बी के कितने हैं हमारे, 6.4 है, राइट। वही जो आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि इस ट्रिक से आपकी वैल्यूज़ कभी गलत नहीं होंगी, यहाँ पर लिखो x1 y1, यहाँ पर लिखो x2 y2। सो x2 माइनस x1 है पहले, तो x2 कितना है, 6 है, 6 में से किसको माइनस करना है हमने, 3 को, सो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, और y1 कितना है, y1 है हमारा 1, सो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, आई बात समझ में। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, देन प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
इसके बाद अब हम निकालते हैं BC। BC डिस्टेंस अगर मुझे निकालना होगा तो BC कैसे निकालेंगे, देखो वही चीज़ लगाएंगे। सपोज अब इसके जो BC के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8.6 हैं। सपोज इसको मैंने मान लिया x1, y1, राइट। अगेन सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1। x2 कितना है, 6 है, और x1 कितना है, 8 है। तो 6 में से हमने किसको माइनस करना है, 8 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। देन y2 - y1, y2 कितना है, 4 है। 4 में से y1 को माइनस करना है, y1 कितना है हमारा, 6 है। 4 - 6 होल स्क्वायर। सो 6 में से 8 माइनस किया, 2 आया। 2 की पावर 2 कितनी बनेगी, 4 बनेगी। देन प्लस 4 में से 6 माइनस किया, अगेन 2। 2 की पावर 2 कितनी बनेगी, 4। तो 4 + 4 कितना हो गया हमारे पास, √8 बन गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं AC। AC क्या होगा हमारा, AC इज इक्वल टू, अब देखो AC, A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3.1 है, और C के कितने हैं, 8.6 है। देखो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3.1, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे, 8.6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। किसी को भी आप x1 y1 लिख दो, और किसी को भी आप x2 y2, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पर सीक्वेंस में लेना, अगर आपने इसको x1 माना है तो y1 आपका ये होगा, अगर इसको x1 माना है तो y1 आपका ये होगा। सो अब आगे बढ़ते, फिर से वही फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, है ना, x2 - x1। x2 कितना है, 8 है, और x1 कितना है, 3। सो क्या आ जाएगा, 8 - 3 होल स्क्वायर, 10। प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 6 है। सो 6 में से किसको माइनस करना है हमने, y1 को, दैट मीन्स हमने 1 को। सो 8 में से 3 माइनस किया, कितना आएगा, 5। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। देन 6 में से 1 माइनस किया, 5। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। 25 + 25 आंसर आ गया, √50। ठीक है जी, आई बात समझ में। सो पावर को ध्यान में रखना, पावर की गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, साइन की गलती करते हैं, वैल्यूज़ को लेने में गलती करते हैं, ये 3 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, राइट। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, जब किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल होगा, किसी थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा, राइट। सो अब फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं, स्पेशली इस क्वेश्चन में, वो क्या करते हैं, AB कितना है हमारा, √18 है, √18 प्लस BC कितना है, √8 है, दिस इज इक्वल टू √50। 18 + 8 कर देते हैं, √26 इज नॉट इक्वल टू √50, जबकि ये बिल्कुल गलत है। रूट में हम कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज़ को प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। जो रूट के बाहर नंबर लिखा होता है उसको तो हम प्लस कर सकते हैं, रूट के अंदर के नंबर्स को हम कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कैसे प्लस माइनस करें, √18 के अगर आप फैक्टर्स बनाओगे तो √18 के क्या बनेंगे, 2 9s = 18, 3 3s = 9, और 3 1s = 3। तो ये क्या बन गया हमारा, 3√2, दिस इज इक्वल टू 3√2। ऐसे ही 8 के बनाओ, 8 के क्या बनेंगे, 2 4s = 8, 2 2s = 4, 2 1s = 2, मीन्स 2√2, ठीक है जी। ऐसे ही √50 के बनाओ, 50 के क्या बनेंगे हमारे, 25, देन 5 5s = 25, देन 5 1s = 5, तो ये क्या बनेगा, 5√2। मतलब जो वैल्यू दो बार आ रही है ना, उसको मैंने एक बार बाहर लिख दिया। दोबारा से सुनना, जो वैल्यू दो बार आ रही है उस वैल्यू को मैंने एक बार बाहर लिख दिया, और जो एक बार वैल्यू आ रही थी उसको मैंने रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, 3√2 AB की वैल्यू है, BC कितना आया, 2√2, राइट, दिस इज इक्वल टू 5√2 BC की वैल्यू, राइट। अब प्लस कैसे करते हैं, इसके सिर्फ आगे वाले नंबर्स प्लस करने हैं, 3 + 2 कितना होगा, 5, और √2 हमारा ऐसे कैसे, सो दोनों डिस्टेंसेस हमारे सेम आ गए, सो दैट मीन्स यस दे आर सिटेड इन अ लाइन। बात समझ में आई, ठीक है। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, यस दे आर सिटेड इन अ लाइन। ओके जी, डन, आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में हमें एक रिलेशन बताना है, ठीक है। सच दैट द पॉइंट x, y, ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को, उन्होंने कहा है कोई भी एक पॉइंट है x, y, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, P।
पी रख दिया, इज इक्वी डिस्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, कि अगर डिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल है, जो ये वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस इक्वल है, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट्स 7.1 एंड 3.5, 7.1 और 3.5 पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो कैसा है? इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के इक्वल, राइट। इतनी सी बात है बस, और फिर क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। सो अब फिर से हमें पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए, ए बी सी नाम नहीं मेंशन है, सो हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी 7.1 एंड बी बी 3.5 एंड पी इज एक्स कोमा आई। बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ये डिस्टेंस है, मतलब जो ए पी है, वो किसके इक्वल है? बीपी के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन की है ये चीज़। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सिंस ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों है ये? बिकॉज इट इज गिवन टू अस, राइट। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए पी निकाल दो और बी पी निकाल दो। ए पी, ए पी कैसे निकालोगे? यहाँ पे अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्स वाई में वैल्यू दे दी तो हम क्या करें, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। स्टेटमेंट तो वही है, लॉजिक तो वही लगेगा, फॉर्मूला भी वही लगेगा। क्या कहता है फॉर्मूला? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। सो एक्स टू कितना है? 7 है, और एक्स वन कितना है? एक्स है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? सिंपल 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सो एक्स टू कितना है हमारा? 7 है, ठीक है, और एक्स वन कितना है हमारा? एक्स है। तो इसीलिए एक्स टू की जगह 7 लिखा, देन माइनस साइन लगाया, देन एक्स वन की जगह क्या लिखा हमने? खाली एक्स लिखा। ऐसे ही आगे क्या है? वाई टू माइनस वाई वन, सो वाई टू की जगह क्या लिखूंगी? 1, 1 में से क्या माइनस करूंगी? y को। सो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस वाई की पावर 2, दिस इज इक्वल टू बी पी। अगेन अगेन वही चीज़, बी पी। अब देखो इसको अब एक्स टू कोमा वाई टू मान लो, ठीक है जी। अब बी पी का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक्स टू माइनस एक्स वन मीन्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ गया? 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है? 5 है, और वाई वन कितना है? y है। सो 5 में से किसको माइनस करना है हमने? y की पावर 2 को। आई बात समझ में कि हमने ये वैल्यूज कैसे पुट करी और क्यों पुट करी, x और y का हमने क्या करना है, कैसे लिखना है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है जी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। SBS का मतलब होता है स्क्वेयर बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड पे हम क्या करने वाले हैं? अब स्क्वेयर करने वाले हैं। 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई की पावर 2, और इस पूरे की पावर भी क्या कर देंगे हम? 2 कर देंगे, ठीक है। सो इसकी और इसकी हमने दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग क्यों कर दी? सो दैट कि हम रूट को कैंसिल आउट कर सके। रूट से रूट कैंसिल, यहाँ भी रूट से पावर, पावर टू से रूट हमारा क्या हो गया? दोनों साइड कैंसिल हो गया। सो क्या बच गया यहाँ पे? 7 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 5 माइनस वाई की पावर। रूट हटा के जो अंदर का पार्ट बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, जो ये अंदर का पार्ट बचा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर जी? बात समझ में आई यहाँ तक? ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये भी वैसा ही बन रहा है। क्या बन रहा है? a, a की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? 7, और b की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? x लिखा है। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में इस टाइप की आइडेंटिटीज़ यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
ठीक है। सो वही आइडेंटिटी अब हमारी यहाँ पर लगने वाली है। सो क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ना, ए कितना है, सेवन है। सो सेवन का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आपको मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से, स्क्वायर मतलब पावर टू का मतलब क्या होता है, उसी वैल्यू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मीन सेवन सेवन का कितना आ गया, 49 आ गया। देन आगे क्या कहता है फॉर्मूला, प्लस बी का होल स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे मेरा, यहाँ बी की जगह क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर। देन आगे क्या कहता है मेरा फॉर्मूला, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए, ए कितना है मेरा, सेवन है, और बी कितना है मेरा, एक्स है। जब भी इन वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं लिखा होता, मैथ्स में ऐसे लिखी हैं, सो दैट मीन्स टू ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, क्या लिखा जाएगा इसकी जगह पे, सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर कितना हो गया, वन। देन बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, वाई लिखा है, सो यहाँ पे प्लस वाई की पावर टू। देन माइनस टू ए बी, टू ए, ए की जगह वन और बी की जगह कितना है, वाई है। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, थ्री का स्क्वायर। सबसे पहले ए का स्क्वायर करना है, मतलब थ्री का स्क्वायर मतलब कितना करना है, नाइन। देन बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। देन माइनस टू ए बी, माइनस टू ए, ए कितना है, थ्री है, और बी कितना है हमारा, एक्स है। आई बात समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर, यानी कि 25। देन प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब y की पावर टू। माइनस टू ए बी, माइनस टू ए, ए कितना है, फाइव है, और b कितना है हमारा, y है, राइट। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये हमने कैसे एक्सपैंड किया है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में और, ठीक है, राइट। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस करके दोबारा से इसको समझिएगा, इस स्टेप को, सो दैट कि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक पार्ट हमने, एक एक वैल्यू हमने क्यों लिखी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये वाली दोनों वैल्यूज़ लिख देते हैं, इस वैल्यू को वो स्किप कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है जी। तो पीछे करके दोबारा से देखिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया कि हमने ये स्टेप क्यों लिखा और एक एक वैल्यू क्यों लिखी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया दोनों साइड से, राइट। और क्या कैंसल आउट हो सकता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसल हो गया। अच्छा अब क्या रूल होता है कि जो मैथ्स का नंबर है ना सिंपल, 49 और 1, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ठीक है। इक्वल टू के दूसरी साइड भी यही सेम लॉजिक चलेगा, जो सिंपल मैथ्स के नंबर्स लिखे हैं जिनके साथ कुछ एक्स वाई नहीं लिखा, वो आपस में प्लस माइनस होंगे। 25 में किसको प्लस माइनस करना है, हमने 9 को, दैट मीन्स ये आ गया 34। इसके बाद देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, मीन्स 27 का यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 14x, यहाँ से कितना आएगा, 21 का 2, माइनस का 2y, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 23 का 6x, और यहाँ पे कितना आएगा, 25 का 10y। आई बात समझ, क्लियर। अब फिर से वही लॉजिक करना है, मैथ्स के नंबर्स को मैथ्स के नंबर्स के साथ, मीन से 34 इधर प्लस में है, इस तरफ आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। देन माइनस का 14x है, राइट, और इधर से क्या है ये 6x, इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा हमारा, प्लस का। देन y वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, माइनस का 2y, तो लेफ्ट हैंड साइड ही है इसलिए इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, जो ये माइनस का 10y है ये राइट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, प्लस का 10y, क्लियर जी। सो लास्ट हम क्या लिख सकते हैं, 50 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा 16, देन 14 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 8, देन 10 में से 2 माइनस करेंगे आंसर आएगा प्लस का 8। देखो ये लॉजिक्स मैंने आपको बहुत बार समझाए हुए हैं कि जब अपोजिट साइंस होते हैं, देखो ये दोनों x की टर्म्स है ना, सॉल्व तो यही दोनों होंगे, ठीक है। इतना आपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपने x वाली टर्म को x के साथ ही सॉल्व करना है, उसको y के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। सो सॉल्व तो यही दोनों होने वाली हैं। अब दोनों के साथ अपोजिट साइंस है, तो हम बहुत बार ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो नंबर्स को हम माइनस करते हैं, मीन्स 14 में से 6 माइनस करेंगे आंसर आएगा 8, और साइन किसका आएगा, बड़ी स्टेटमेंट का, मीन्स साइन आएगा माइनस का, क्लियर। सेम लॉजिक यहाँ पर,
नौ नंबर्स के साथ अपोजिट साइंस है, यानी कि नंबर्स को करना है माइनस। सो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू 10 है, सो 10 के साथ किसका साइन है प्लस का, सो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। अपने माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मैथ्स में सारी जगह पे हम यही करने वाले हैं। एक्स वाली वैल्यूज़ एक्स के साथ ही सॉल्व होंगी, दो वाई की वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, दो वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। आगे हम 8 चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर भी यही लॉजिक चलेगा कि जब साइन थीटा और साइन थीटा दोनों एंगल्स सेम होंगे तभी वो आपस में प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। ठीक है जी, अदरवाइज आपका आंसर वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, राइट। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, डन। आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 पर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। सो एग्जांपल, ये एग्जांपल्स इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जांपल्स पर ही आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज भेज रहा है। सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन आपके यही के यही रहेंगे, ठीक है जी, राइट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ पर है, वो y एक्सिस पर है। तो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की याद करके देखो कि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, y, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और y हमारा कुछ भी हो सकता है। सो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, y। सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में x एक्सिस के लिए है, और जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है जी। चलो अभी इसकी बात करते हैं, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 एंड -4, 3। जो ये वाला पॉइंट है ना 0, y, ये वाला पॉइंट हमारा इक्विडिस्टेंट है किससे, दो पॉइंट से 6, 5 से, जिसका नाम उन्होंने अब की बार आपको दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हम अपने क्वेश्चन में लिख रहे थे उसको लिखने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा पॉइंट P, ओके, P नहीं दिया हुआ, P के लिए लिख लेते हैं, लेट P बी 0, y इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ए और बी के तो हमें नाम दिए हुए थे, इसलिए हमने लेट नहीं किया, सिर्फ हमने पी को लेट किया जो हमें गिवन नहीं था। इक्वी डिस्टेंट है, सो दैट मीन्स जो अभी कॉन्सेप्ट किया कि ए पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बी पी डिस्टेंस के इक्वल होगा। सो ए पी इज इक्वल टू बी पी विच इज गिवन टू अस, ठीक है। नेक्स्ट AP कैसे निकाल सकते हैं अब हम, AP डिस्टेंस देखो, यहाँ पे ये क्या है x1, y1 है, और ये क्या है हमारा x2, y2 है। सो x1 फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 होल स्क्वायर कहता है, मतलब x2 कितना है, 0 है, 0 में से किसको माइनस करना है हमने, 6 को माइनस करना है। सो x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 0 में से किसको माइनस करना है, 6 को, प्लस y2 - y1, y2 कितना है हमारा y है, और y1 कितना है हमारा 5 है, इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी पी। अब बी पी निकालो, बी पी कितना है, बी पी क्या है, x2 - x1, x1, y1, x2 - x1। अब ध्यान से देखना, x2 कितना है, 0 है, माइनस करना है किसको, x1 को, और x1 कितना है मेरा, -4 है, मतलब माइनस, ये तो हमने फॉर्मूले का माइनस लगाया जो डिस्टेंस फॉर्मूला में माइनस है, और ये हमने वैल्यू का माइनस लगाया क्योंकि ये वैल्यू हमको किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है, राइट। देन प्लस y2 - y1, y2 कितना है हमारा y है, -y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 0 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है सिंपल 36, प्लस y - 5 की पावर 2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 + 4, ये प्लस 4 हो जाएगा, -, +4, और 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, प्लस y - 3 की पावर 2, ठीक है जी। पावर 2 कर दी हमने यहाँ पे पूरे की, और यहाँ भी पावर 2 से रूट कैंसिल, रूट से पावर 2 हमारी कैंसिल आउट हो गई। सो सिंपली हमारे पास यहाँ पर बच गया 36 + y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + y - 3 की पावर
क्लियर जी, आई बात समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट अब वही जो लॉजिक दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही सेम फॉर्मूला अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन दोनों पार्ट में। ठीक है, देखो तब हमने चारों में किया था, चारों पार्ट्स में हमने लगाया था फॉर्मूला, बिकॉज तब हमारे पास चारों में ही एक मैथ्स का नंबर था, एक अल्फ़ाबेट था। क्वेश्चन चेक करो पीछे जाके, था ऐसा कि नहीं था, एक मैथ्स का नंबर एक अल्फ़ाबेट। स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती करते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला खोल देते हैं। देखो फॉर्मूला खोलने से आंसर तो आपका सेम आएगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा और कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जब एक मैथ्स का नंबर हो और एक अल्फ़ाबेट हो तब आप ये फॉर्मूला खोलोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आपका टाइम सेव होगा। अगर दोनों ही मैथ्स के नंबर्स हैं तब तो सीधा आपको पता है 6 में से 0 माइनस करके 6 आता है और 6 की पावर 2 कितनी होती है, 36, पता ही है आपको, तो फॉर्मूला खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, अब इनमें फॉर्मूला खोलते हैं, इसमें फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए मतलब वाई के पावर 2, देन बी स्क्वायर मतलब 5 के पावर 2 मतलब 25, देन माइनस 2ab, ए की जगह वाई पुट किया, बी की जगह पे 5 पुट किया, समझ में आ गई बात। देन 16 प्लस, सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना है यानी कि कितना आएगा 9, देन माइनस 2a इंटू बी। क्लियर जी, आई बात समझ में, ओके। सो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, 25 तक कितना होता है 10y, इक्वल्स टू 16 प्लस 9, मैथ्स के नंबर्स को मैथ्स के नंबर्स के साथ प्लस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 16 में 9 प्लस किया 25, देन ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अलग रहेगा, ये 2, 3, 6y है ये अलग रहेगा, ये तीनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, राइट। सो 25 से 25 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है जी, आगे बात समझ में। क्या बच गया है यहाँ पे लास्ट, 36 माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू माइनस 6y। अब देखो, अब सोचो कैसे सॉल्व होगा, जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक से सॉल्व होगा, ये और ये दोनों मैथ्स वाई वाली टर्म्स हैं, तो वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, मतलब इस माइनस 10 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 10y। सो वही चीज़, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइंस हैं तो नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4y, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का और बड़ी वैल्यू प्लस की है, देन इस 4 को नीचे ले जा करके डिवाइड कर देंगे, सो 4 9 का कितना आ गया 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म मत करना यहाँ पर, ठीक है, आधा नंबर कट जाएगा पेपर में आपका अगर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म कर दिया तो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा उसने, फाइंड अ पॉइंट पूछा है, पॉइंट में सिर्फ वाई की वैल्यू बता देने से वो पॉइंट नहीं हो जाता, पॉइंट कब होगा, जब आप उसको एक्स की भी वैल्यू बताओगे जो कि 0 है और वाई की भी वैल्यू बताओगे जो कि क्या है 9 है, जब ये बताओगे तब एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। सो इफ़ यू फाइंड माय दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।